कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं के बीच जारी विवाद की जांच के लिए भागलपुर आई जांच टीम की मुख्य सदस्य पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर ज्योति कुमारी ने घटना की भर्त्सना करते हुए अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। देखें सन्मार्ग के लिए भागलपुर से रुपेश के साथ राजीव सिंह की रिपोर्ट। कांग्रेस कमेटी ने इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हुए एक तीन सदस्यता जांच कर ली कि वहां पर 20 तारीख को जो घटना 20 जुलाई 2018 को भागलपुर कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में उत्पन्न हुई परिस्थितियों का क्या कारण था, किसने ऐसा माहौल पैदा किया, किस कारण से ऐसा माहौल पैदा हुआ, क्यों इस तरह की घटना घटी, घटना का जिम्मेदार कौन है और कौन नहीं है, इन सारी चीजों की जांच तमाम जो कांग्रेस के लोग आए हैं उनसे मौखिक रूप से और लिखित रूप से लिखित भी कि जो वो कहना चाहते हैं वो लिखित रूप में अपना नाम के साथ हस्ताक्षर के साथ उसे हम लोगों ने दे दिया है और उसको हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग रिपोर्ट करेंगे PCC को, PCC रिपोर्ट करेगी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव माननीय हमारे वीरेंद्र सिंह राठौर साहब खुद उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। तो इन सारे बिंदुओं को हम लोग जानने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और हम लोग देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं और लिखित ले भी रहे हैं और आप लोगों से भी बात करें। तक हम डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे नहीं तो हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे। लड़का बिना इम्तहान दिए रिजल्ट आता है, मौखिक परीक्षा ना, लेकिन के बाद मौखिक होता है, उसके बाद शो कॉल जो दोषी होगा पूछा जाएगा, जो दोषी होगा, जो दोषी पाया जाएगा उस पर हाई कमान का निर्णय अंतिम। ये शर्म की बात है। आज बैठक में उन लोगों को भी आमंत्रित किया गया था, वो लोग आए नहीं। अब कौन आए कौन नहीं आए ये तो जो नहीं आए उनसे पूछना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं गए भाई, आप कमेटी को नहीं मानते या आप संगठन को नहीं मानते या प्रदेश अध्यक्ष को नहीं मानते, जब आप दिल्ली से प्रभारी आएंगे उनको नहीं मानते, जब राहुल गांधी को नहीं मानते, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को नहीं मानते तो आप किस बात के कांग्रेस में है भाई। हमें चेहरों से कुछ लेना देना नहीं है, हमको कार्यकर्ता सम्मेलन में ऐसा हुआ जितने लोग थे मौजूद हमें उनसे लेना, बड़े चेहरे से ज़्यादा जो मृतक जैसी हमारे समर्पित कार्यकर्ता थे उससे बात करनी जरूरत है। बड़े चेहरा तो एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, पक्ष में बोलते हैं, ईर्ष्या द्वेष भी है, ईगो की लड़ाई भी है, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो निष्पक्ष है, वो जो बात करता है उसको हम लोग को लिपिबद्ध करके हाईकमान को देना। जो भी दोषी आएंगे हाईकमान के द्वारा उसको निर्णय किया जाए, एकदम सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि दूसरा फिर ऐसा करने का नहीं पड़ता। एक ही बात मैं आपको